हेलो फ्रेंड्स, वी आर स्टार्टेड अ न्यू चैनल और अभी हम जालपा का प्लान बना रहे हैं। यहाँ पे जालपा एक बहुत फेमस मंदिर है यहाँ पे, और हम उसमें एक स्मॉल पिकनिक भी कर रहे हैं। मैं अभी आपको जालपा दिखाता हूँ। ये मुख्य द्वार है, यहाँ से हम जालपा मंदिर को जाना शुरू करेंगे। देखिए, हमारे दोस्त भी हमारे साथ हैं और देखिए कितने खुश है जाने के लिए। और यहाँ पर छोटा सा मंदिर भी है जो हनुमान जी का है मंदिर। देखिए फ्रेंड्स, सब साथ में जा रहे हैं। जय हो, नलका भी है। चले हम। और अभी मैं इस ब्लॉग में आपको दिखाने वाला हूँ जालपा मंदिर, जो यहाँ का सबसे फेमस मंदिर है। तो बने रहिए वीडियो में एंड तक। और यहाँ से हमने अभी ट्रैकिंग शुरू कर दी है और हमारे फ्रेंड्स भी साथ में ही हैं। हम एक स्मॉल पिकनिक भी कर रहे हैं और आपको इसी के साथ आपको हम जालपा मंदिर, फेमस मंदिर भी दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं। हम बड़ी देर से चलते हुए आ रहे हैं नीचे से, और अब हम मंदिर पहुंचने वाले हैं। मंदिर यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, और अभी थोड़ी देर हम यहाँ आगे रेस्ट करेंगे, फिर उसके बाद आपको दिखाएंगे। अभी हम वीडियो थोड़ी देर रोक रहे हैं, रेस्ट कर लेते हैं थोड़ा। यह है जालपा माता जी के चरण, और साथ ही में दूसरा गेट भी है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, हम कुछ ही देरी में हम मंदिर पहुँचने वाले हैं, तो यहाँ से आप व्यू देख सकते हैं। देखो, तो हम मंदिर पहुँच चुके हैं। देखिए, आप देख सकते हैं हम मंदिर पहुंच चुके हैं अब, और बहुत अच्छा मंदिर है। इधर बैठने के लिए छांव भी है, और बड़ा प्राचीन मंदिर है यहाँ ये। और आज तो गर्मी बड़ी भारी है। ये हमारे फ्रेंड्स हैं जो साथ में आए हैं, और ये है माता जी की भव्य मूर्ति। यहाँ पर मेले, माली और भंडारा भी होता है, लेकिन कोविड की वजह से सब बंद है। तो यहाँ पे करेंगे हम अपनी पिकनिक, छोटी सी पिकनिक। देखिए, चूल्हा जल चुका है और सभी अपने अपने काम पे लगे हुए हैं। और यहाँ देखिए, चावल, सोयाबीन और माउंटेन ड्यू की बोतल भी रखी हुई है। हम बना रहे हैं आज सोयाबीन की खिचड़ी, और देखिए बंदे ने कुकर में भी मिट्टी लगा दी है ताकि ये ठीक रहे। पत्थर में लगे हैं आज हम सामग्री बनाने। क्या क्या चला रहा, चला रहा ना, चला रहे, इसकी साइड कर दे ऐसे, मत खाएं कुछ कुछ ला। ये लो सर छुरी, और ये लगे हैं प्याज काटने। आप देख सकते हैं बंदे पत्थर में लगे हैं प्याज काटने, और
सब बंदे अपने अपने जगह में लगे हैं काम पे। रुक जाओ यार, छोटा बंदा भी लगा है। बुझ गई, बुझ गई, पेड़ को लग गई। पानी कितने पानी हो तुझे? सुजीत पानी पाए थोड़े जे, ठीक ठाक थोड़े जे, ठीक ठाक। जब बड़ा प्रोजेक्ट बन रेने रे इतने रे पीली पानी भाई थे जितनी है अब देखो अपन कुछ बाणी सारा पर इस बारी अगली बार ना ट्रैक्टर लेने के ना फिर आपको बाय करना। अच्छा फिर भी देना छोटा सब को आगे करना, आगे करना भी कने थल्ले खोड़ना भी दबना पड़ेगा। कितने सब दस दस चल रहा होगा ये होता है आगे ट्रैक्टर लेने का टायर बदल दे देता ना है स्वाड वाले रहा सारा टायर बदल दे तो हां ये लग दे बड़ा तेरा मामा बता तो बाण आन था बड़ा लो ना बड़े होना होता कि वजन मुझे सारा साफ हो जाए। ये हमारा पिकनिक स्पॉट है और सोयाबीन पक के तैयार हो गई है और ये हमारे बोटी साहब इन्होंने तड़का लगा दिया है। देखिए हमारी खिचड़ी बन के तैयार हो गई है, बंदे की शक्लें देखिए कैसे खाने के लिए तैयार बैठे हैं और हमने चाट भी बनाई थी और ये हमारे जीतू भाई हैं ये खाना देंगे हमें और बंदे देखिए कितने उतावले हैं प्लेटें लगा के बैठ गए हैं पहले ही। बस वगैरह कैडे चीटा करना तो है। देखिए हमारे दोस्त कितने मेहनती है, इन्होंने खाना भी बनाया और अब ये बर्तन भी धो रहे हैं और पूरी मेहनत से धो रहे हैं बर्तन ये। अब मैं अपनी वीडियो को एंड यहीं पे करता हूँ और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इसे लाइक कमेंट एंड शेयर सब्सक्राइब करें और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके बाय।